हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सैंडबर्ग सैंड कॉइन के बारे में। एंड यहाँ पे अगर प्राइस को देखेंगे तो लगभग 0.83 सेंट के अंदर यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। प्लस अभी के टाइम पे अगर INR पेयर के अंदर देखेंगे तो 71 रुपीस के अंदर यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो देखिए, सैंडबॉक्स एक जो है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। अगर आप लोग यहाँ पे 2023 तक कोई न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि जिसको आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग होल्ड करेंगे, एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोग को दे सकता है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट आप लोग के लिए हो सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सैंडबॉक्स के ऊपर। अगर आप लोग यहाँ पे बाय करना चाहे तो इसको बाय कर सकते हैं। तो देखिए, इसका अगर ऑल टाइम हाई अगर हम लोग देखते हैं तो 641 रुपीज़ तक यहाँ पे पंप हुआ था। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी के टाइम पे अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 90% डंप के अंदर यहाँ पे चल रहा है। एंड ये जो प्रोजेक्ट है, ये कोई मतलब यहाँ पे मेटावर्स की जितने भी प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये नंबर 2 की पोजीशन के अंदर यहाँ पे आता है। एंड सैंडबॉक्स के ऊपर आप लोग को पता है टॉप रैंकिंग के अंदर जो है माना को यहाँ पे माना जाता है। उसके बाद में जो है सैंडबॉक्स यहाँ पे सेकेंड नंबर पे, यहाँ पे सेकेंड या थर्ड नंबर के बीच में यहाँ पे आता है। टॉप मेटावर्स गेमिंग जो है इसके ऊपर लॉन्चिंग है। एंड इसके अंदर अगर आप लोग चाहे तो इसकी गेमिंग के अंदर पार्टिसिपेट करके भी अर्निंग कर सकते हैं। प्लस इनकी जो यहाँ पे लैंड है उसको भी आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर आप लोग एक NFT होल्डर है, प्लस आप लोग यहाँ पे गेमिंग के ऊपर हो गया लैंड अगर आप लोग ओन करते हैं, यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सैंड एक जो है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है एंड इसके ऊपर बहुत ही आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पे हाइप देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये बेसिकली बात करें जो बहुत सारे लोग इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे कि हमको कोई लॉन्ग टर्म की प्रोजेक्ट चाहिए जिसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो देखिए, सैंडबॉक्स की बात करें तो अभी के टाइम पे जिन्होंने लगभग 500-600 रुपीस के अंदर यहाँ पे बाय किया होगा, उनको लगभग यहाँ पे 7-8x की लगभग यहाँ पे लॉस के अंदर चल रहे होंगे। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 1000 रुपीस भी लगाया होगा तो अभी के टाइम पे आप लोग का 700 रुपीस जो है यहाँ पे लॉसेस के अंदर है। 300 रुपीस आपके पास में अभी के टाइम पे बचा हुआ होगा। एंड यहाँ से अगर डंप जाता है तो वो प्राइस जो है यहाँ पे कम होता रहेगा। तो देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक बाइंग करते तो यहाँ से जो है 8x की रिटर्न जो है आप लोग को यहाँ पे मिल सकता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो के अंदर बात करें यहाँ पे डिटेल्स में जानते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहले बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही प्रोजेक्ट के ऊपर जो है हम लोग टाइम टू टाइम यहाँ पे वीडियो लेके आएंगे। एंड आप लोग कौन सी प्रोजेक्ट ऐसा देखना चाहते हैं जो शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट दे या लॉन्ग टर्म के ऊपर हम लोग कोई वीडियो लेके आए कोई प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। एंड पहले बार अगर विजिट कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड अभी के टाइम पे अगर ऑल्ट मार्केट को देखेंगे तो ऑल्ट मार्केट के अंदर थोड़ा सा डम्प की सिचुएशन हम लोग को तो वैसे भी दिख रहा है। एंड यहाँ पे 19,000, 20,000 एंड 18,000, तो ये जो तीनों मार्क है उसी के अंदर जो है बिटकॉइन यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। मार्केट के आप यहाँ पे कोई ज़्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मार्केट के अंदर जो भी मनी है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्सचेंज के ऊपर है। एंड जो पुराना यहाँ पे होल्डर है वो सारा यहाँ पे होल्ड करके रखे हैं। एंड वही जो है यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट के अंदर कोई एक ही कॉइन के अंदर यहाँ पे पंप हो गया एंड वहाँ पे डंप हो गया। बिटकॉइन के अंदर पैसा आता है फिर जाता है ऑल्ट कॉइन के अंदर, मतलब बाहर से कोई पैसा जो है अभी के टाइम पे मार्केट के अंदर नहीं आ रहा है। तो देखिए, अभी की जो ट्रेडिंग है वो थोड़ा सा यहाँ पे बोरिंग जैसा यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि देखिए कोई कोई कॉइन के अंदर यहाँ पे लगातार पंप हो जाता है 30%, 100%, तो ये जो है कभी कभी यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है, तो जिसके ऊपर हम भी बार बार आप लोग को अपडेट इसके ऊपर दे रहे हैं। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को जरूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है आप लोग इस मार्केट के अंदर भी अर्न कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो इसी के लिए जो है हमने सैंडबॉक्स को यहाँ पे चूज़ किया। तो सबसे पहले यहाँ पे सैंडबॉक्स की रैंक को देखेंगे तो 43 नंबर रैंक के ऊपर ये रैंकिंग होता है। मेटावर्स की टॉप प्रोजेक्ट है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 90% मार्केट के अंदर डंप सिचुएशन के अंदर चल रहा है। एंड इसका जो टोटल टोकन सप्लाई है 3 बिलियन है। एंड 1.5 बिलियन मतलब 50% मार्केट के अंदर आया है। वॉल्यूम अगर देखेंगे 25% माइनस के अंदर चल रहा है। 153 मिलियन जो है टोटल वॉल्यूम यहाँ पे बना हुआ है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा टाइम है अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे अगर इनके ट्विटर हैंडल को जाएंगे एंड इसके ऊपर अगर देखेंगे तो बहुत सारा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड देखिए कैसा प्रोजेक्ट जो है 3D के ऊपर जो है इनके ऊपर प्रोजेक्ट जो है आप लोग को लॉन्च होता हुआ दिखेगा। तो देखिए, न्यूज़ की बात करें तो इसके ऊपर हर टाइम न्यूज रहता है, क्योंकि देखिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। एंड सारे जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे मेटावर्स की प्रोजेक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। एंड अगर आप लोग यहाँ पे प्ले करना चाहते तो आप लोग इनकी जो है प्ले के ऊपर जा सकते हैं। मार्केट प्लेस के ऊपर जाके आप लोग कोई भी गेम को अगर प्ले करना चाहे तो इसके अंदर प्ले करके भी अर्निंग कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छा खासा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग जोन की तरफ। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे
तो बहुत ही अच्छा खासा चार्ट जो है आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जहाँ से ये लगभग पंप हुआ था लगभग 85 सेंट से जो है इसके अंदर एक स्पाइक हम लोग को देखने को मिला था, एंड वो स्पाइक जो है लगभग 7 to 8 डॉलर के आसपास, तो 8.4 डॉलर तक यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो है यहाँ पे लगाया था। एंड अभी देखेंगे तो यही प्राइस जो है लगभग उसकी बॉटम प्राइस के अंदर यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी अगर आप लोग बाय करना चाहे यूएसडीटी पेयर के अंदर तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, ऑलरेडी ये जो है एक बाइंग जोन के अंदर है। एंड मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग यहाँ पे लगभग 73 सीरीज के अंदर 0.73 सेंट के अंदर आप लोग यहाँ पे पिक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे 0.81 से लेके 0.73 सेंट जो है ये एक अच्छा खासा बाइंग जोन यहाँ पे हो सकता है। एंड शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे 1.5 डॉलर जो है पहला टारगेट एंड सेकेंड टारगेट लगभग 2.6 डॉलर तक आप लोग लेता हुआ चल सकते हैं। ये दो टारगेट जो है आप लोग को शॉर्ट टर्म में लेना है, एंड लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप लोग होल्ड करते हैं तो लगभग यहाँ पे 7 to 10 डॉलर तक आप लोग यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे 800% लगभग जो है आप लोग को प्रॉफिट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा 10 डॉलर तक होल्ड करते तो आप लोग को लगभग 10x तक यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन देखिए आप लोग को यहाँ पे सोचना है कि आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के अंदर आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। तो अगर सैंडबॉक्स को अभी के टाइम पे देखेंगे कोई ज़्यादा स्पाइक जो है इसके अंदर नहीं आया है, शॉर्ट टर्म के अंदर भी यहाँ पे प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन आप लोग को यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग यहाँ पे बाय करते हैं तो आप लोग थोड़ा सा अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा, उसके बाद में आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। प्लस यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है आप लोग को जरूर यहाँ पे रखना है। लगभग अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 62-61 सेंट के अंदर जो है आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं या तो इससे भी नीचे रख सकते हैं। लेकिन आप लोग को यहाँ पे सोचना है कि आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं। अगर कम पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, अगर लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस मोस्ट आप लोग को यहाँ पे लगाना है लगभग 0.67 सेंट के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे INR पेयर के अंदर देखते हैं। तो देखिए INR पेयर के अंदर बहुत ही अच्छा खासा प्राइस के अंदर अभी भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और डाउन जाएगा INR पेयर के अंदर। जैसा हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है तो लगभग 60 रुपीज़ से लेके आप लोग यहाँ पे 50 रुपीज़ तक आप लोग इसको बाय कीजिएगा अगर इस रेंज के अंदर मिलता है, या तो अभी चाहे तो आप लोग यहाँ पे लाइव प्राइस के अंदर एक बाइंग जोन देख सकते हैं। एंड सेकेंड बाइंग जो है 50 to 60 रुपीज़ तक आप लोग एक टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं। एंड टारगेट की बात करें तो 530 रुपीज़ एंड नेक्स्ट टारगेट जो है 639 रुपीज़ जो है ये रख सकते हैं। ये जो ऑल टाइम हाई है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम टर्म के अंदर निकलना चाहते हैं तो लगभग 300-400 रुपीज़ तक यहाँ पे पंप होता हुआ आप लोग को इसके अंदर दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म में आप लोग निकलना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ तक लगभग 158 रुपीज़ तक आप लोग यहाँ पे देख के चल सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा अपना रिसर्च भी आप लोग को करना है। एंड आप लोग को ये सोचना है कि आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप लोग कितने साल के लिए कर रहे हैं, एंड जब भी आप लोग को बाय करना है तो आप लोग को यहाँ पे सेलिंग इसके अंदर कितने प्रॉफिट के अंदर आप लोग को सेल करना है, मान लीजिए 2x 3x 5x, आप लोग को उस सेट करके आप लोग को इसकी बीट जो है लगा के रख देना है। एंड जब भी पंप आएगा तो आप लोग को यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो कभी भी यहाँ पे ग्रीडी नहीं बनना। एंड आप लोग को प्रॉफिट अगर शॉर्ट टर्म में निकालना चाहते तो आप लोग शॉर्ट टर्म की बीट भी लगा के रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं, जैसे हमने बताया कि 2023 तक जो है ये जो है बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। 8x to 10x तक आप लोग को यहाँ पे गेन करता हुआ आप लोग को देख सकता है अगर मार्केट यहाँ पे सही रहा। एंड मार्केट के अंदर थोड़ा सा बुलिशनेस हम लोग को ऑल्ट कॉइन के अंदर देखने को मिला, प्लस आप लोग को यहाँ पे मेटावर्स, देखिए ऑल्ट कॉइन के अंदर तब भी यहाँ पे रैली आएगी जब मेटावर्स के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा बातचीत होगा। तो देखिए रैली आने के लिए कोई ना कोई, जैसे हम लोग को ICO की फेज देखा, IDO की फेज देखा, NFT की फेज देखा, प्ले टू अर्निंग की फेज देखा, मीम कॉइन की एक फेज आया जहाँ पे जो है मार्केट के अंदर हाइप बना, तो वैसे ही जो है आने वाले दिनों के अंदर आप लोग को मेटावर्स एंड Web3 के ऊपर हाइप दिखेगा। एंड वो जो हाइप आएगा जिसके अंदर जो है सैंडबॉक्स माना हो गया, एपी कॉइन हो गया, एंड ये जो सारे प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो है हाई प्रॉफिट की चांस यहाँ पे बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स आज की वीडियो। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड ऐसे ही वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।